चाचा भतीजे में जिस तल्खी की जो दीवार लोकसभा चुनाव की पहले बनी थी, वो अब भी ढहने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव में चल रहा मनमुटाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से शिवपाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंतजार कर रही एसपी ने उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए याचिका लगाई है। पिछले साल एसपी से अलग होकर अपनी नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव अभी भी एसपी से ही विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे राम गोविंद चौधरी ने मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और एक समय में एसपी के कद्दावर नेता रहे शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा सदस्यता के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। ये याचिका दल बदल विरोधी कानून के आधार पर पेश की गई है। दरअसल 2017 विधानसभा चुनावों के समय से ही मुलायम सिंह यादव के कुनबे में बिखराव शुरू हो गया था। इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि शिवपाल को एसपी छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इस साल हुए लोकसभा चुनावों में शिवपाल ने भतीजे और भाई के खिलाफ ताल ठोकी। हालांकि एसपी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल को लोकसभा चुनावों में खामियाजा भुगतना ही पड़ा। साथ ही समाजवादी पार्टी की हालत भी खराब हो गई। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद अब भी चाचा भतीजे के बीच की दार और तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।